बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने लगे हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.1 है। हमें कहा यह जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड है। हमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, उस सिंपल पेंडुलम की अर्थ पे लेंथ कितनी होगी। फिर हमें कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, सिंपल पेंडुलम की मून पे लेंथ क्या होगी। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक उसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे, एक उसकी लेंथ फाइंड करनी है मून पे। फिर हमें कहा जा रहा है कि इफ़ जी एम इज इक्वल्स टू जी ई डिवाइडेड बाई 6। जो इसमें ये जो जी एम है ये हमारी मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जो हमारे पास जी ई है ये हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। देखिए आगे उसने कहा भी हुआ है वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आपने 9th क्लास में याद की थी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। और हमें ये कहा जा रहा है इस न्यूमेरिकल में कि अगर हम इस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम 6 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हमारे पास ये सारा प्लॉट है। अब हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे अपने न्यूमेरिकल से ही इसको ब्रेक डाउन करके, और फिर हम उसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो गिवन डाटा में सबसे पहली चीज़ जो हमें दी हुई है उसने, वो हमारे पास टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड। फिर उसके बाद हमारे पास उसने अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दी है हमारे पास, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसके साथ हमें कंडीशन दी है कि मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 6 के बराबर हो। तो हम यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर उसकी वैल्यू लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 6 करते हैं। तो हमारे पास जो है जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है बच्चों। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपने ज़ुबानी याद करनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ये हमारी एमसीक्यूज़ में भी, और वैसे भी हमें न्यूमेरिकल्स करते हुए ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो पेंडुलम की लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक दफ़ा लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड आउट करनी है, और एक दफ़ा हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून फाइंड करनी है। अब जो हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। हमें इस फॉर्मूले से लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, जैसे हम इस लेंथ को एक साइड पे अकेला कर देंगे और फिर हम दूसरी साइड पे हमारी गिवन के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। उसके लिए हमें इस लेंथ को स्क्वेयर रूट से बाहर निकालना है सबसे पहला स्टेप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2π का मैं अलग से स्क्वेयर लगाऊंगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है L/g का मैं अलग से स्क्वेयर लगाऊंगा। हमारे पास 2 का स्क्वेयर 4, π का स्क्वेयर π स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा L/g, और इस तरफ हमारे पास है टी स्क्वेयर। अब बच्चों हमें L सेपरेट करना है, तो हमें ये जो 4π² है इसको उस तरफ लेके जाके डिवाइड करवाना है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये g इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई करवाना है। हमारे पास टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई 4π² इज इक्वल्स टू L आ जाएगा। इक्वेशन को मिरर कर लें, ये हमारे पास L इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर जी ओवर 4π² के बराबर है। जो इसके बाद अगर हमें अर्थ पे इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे इस जी की वैल्यू वो पुट करेंगे जो अर्थ पे होती है, और टी हमारे पास वही रहेगा। और अगर हमें मून के लिए फाइंड करनी है तो हम जी की वैल्यू मून की पुट करेंगे और टी हमारे पास यही रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम दिया है उसने।
तो अभी मैं करता हूँ सबसे पहले फॉर अर्थ, ठीक है, कि अगर हम इसको अर्थ पे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है इसको मैं एल ई लिखूँगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ इक्वल्स टू ये टी स्क्वायर आएगा, इधर जी ई डिवाइडेड बाय 4π² इसमें वैल्यूज पुट करें आप, टी की वैल्यू जो है हमारे पास 2 गिवन है, जी ई की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, नीचे हमारे पास 4 वैसे आ जाएगा, पाई की जगह पे 3.14 और उसका आप करेंगे स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे, ये 4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये 10 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 ये वाला, और 3.14 का जब आप कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है 9.85 राउंड ऑफ करके, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 10 डिवाइडेड बाय 9.85। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो है वो 1.02 लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ आ जाएगी, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो बच्चों ये हमारे पास जो है अर्थ पे उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ है। अब हम मून पे इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करते हैं। तो मून पे सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास इसी फॉर्मूले में चेंजिंग होगी, लेंथ जो है एल एम से लिखी जाएगी, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा टाइम पीरियड सेम है, और यहाँ पे जी एम यानी ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन मून डिवाइडेड बाय 4π² आ जाएगा। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास गिवन में 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन में 1.67 है, नीचे हमारे पास जो है वो 4 × 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और यहाँ पे 1.67 आएगा डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास वैसे आ जाएगा, 3.14 का स्क्वायर लेंगे अगेन 9.85 राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैसे बचेगा 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85, और यहाँ पे हमारे पास जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 0.169 ये हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून आ जाएगी, और लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून है। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आप लोगों ने देखा बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल था, जो कॉन्सेप्ट इसका था वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया है, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी न्यूमेरिकल्स को एक अच्छे और आसान तरीके में समझ सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।